है ना। अगर बच्चे को आपने कुछ कहना, पति घर में कुछ करता है कुछ बोलता है, आप परिवर्तन कर सकते हो, तो क्या करना चाहिए, तरीका बताओ, किसी के पास है? अगर पति बच्चे कोई भी, बहू सास कोई भी, अगर कुछ आपके इच्छा के अनुसार नहीं चलते, आपके पास कोई ऐसी शक्ति, उनको आप परिवर्तन कर सकते हो, कर सकते हैं? माता जी कहते कर सकते हो, कर सकते हो, समझाने से परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए? तब तक सहन करते रहे, संयम तो आप क्या, वो गलत कर रहे, आप भी कर रहे हो, तो मैं सहन को क्या करूं? वो रोज चाय पीता है, कप वहां ही रखता है, आपने एक दिन कहा, दो दिन कहा, कुछ असर ही नहीं है, तो आप कहेंगे मैं रोज इतना दिन बदलता तो भी कोई परिवर्तन नहीं, तो आपके पास कोई अस्त्र होना चाहिए ना, उसको परिवर्तन कराओ, ऐसा कोई है तो बताओ। सिंपल एक तरीका बताया, अगर माता जी कहते पति बच्चे बहू सास कोई भी चाय पीती है, कप वहां ही रखती है, आपने एक दफा बेटा ये सब साफ धो के रखो, कोई माई नहीं, मैं बिजी हूं, एक दफा दो दफा तीन दफा का कोई नहीं, रोज वैसे ही, तो आपको एक दिन आएगा ना प्रेशर कुकर बढ़ते बढ़ते एक दिन ब्लास्ट हो जाता है, एक दिन दो दिन सुनता है चुप रहता है, एक दिन निकलता है शब्द, है ना। तो आप क्या उस आत्मा को परिवर्तन करने की कुछ शक्ति है तो बताओ, क्या शक्ति है? घर में यही अशांति है ना, इसी के कारण प्रेशर, तो माता जी आप कुछ परिवर्तन कर सकते हो तो बताओ, आप भी सुनाओ कुछ, क्योंकि संसार में आप भी रहते हो, आपका अपना अनुभव बताओ भाई, बताओ अभी, अब मैं आपके पास थे, मैं अपना अनुभव बताता हूं कैसे परिवर्तन करना है, अपना अनुभव किया हम देखा सब जगह पर, मधुबन शांतिवन सब जगह पर हम अकेले होते हैं कमरे में, लेकिन एक जगह पर एक कमरे में हमने किसी को कोई एक रखता था, तो मैं वहां कभी कभी जाता हूं कमरे में रहने के लिए, तो एक दफा गया तो वो भाई क्या करता है, वॉकिंग करके आता है, बूट पहनता है, मोजा पसीना आता है, ला करके कमरे में कोई नहीं, मैं भी कभी कभी जाता हूँ तो वो एक ही चेयर है, मैं जाऊँ तो कोई मिलने आता नहीं, तो कोई नहीं आता, तो वो वॉकिंग करके आता है, मोजा निकाल के वो चेयर पर रखता है, ठीक है कोई नहीं अकेला है, एक दिन मैं पहुंचा कोई आता, मैं जाऊँ तो कोई नहीं, कोई आता है, तो मैंने कहा कोई आएगा, वो मोजा निकाल के बाहर गैलरी पर एक चेयर है उस चेयर पर ही रखा मैंने, तो वो बीच में आया, मेरा क्यों जो मोजा बाहर क्यों रखा, बाहर मिट्टी है, हमने कहा चेयर पर मिट्टी कहाँ से आएगी, बाहर रखा, एक दिन बोला उसने, तुरंत बोला ठीक है मैं चुपा, दो दिन फिर एक हफ्ता फिर गया मैं, एक हफ्ते का फिर आया, फिर भी देखा वहीं रखा, तो अभी मैंने बोला नहीं, मन में सोचा बाबा ये आपका बच्चा है, इस बच्चे को कैसे समझाओ, मोजे चप्पल इस पर रखता है कि बूट में बाहर रखते हैं, बैठने के चेयर पर कोई भी बैठ सकता है, लेकिन इनको कैसे समझाओ, मन में विचार करता सोचता रहा बाबा इस बच्चे को आप समझाओ। फिर मैं दो महीने के बाद कि तीन महीने के बाद आया तो मोजा अपने आप बाहर, आज तक 2 साल हो गए, जो आपको कहा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए, एक बार शिक्षा दे दो बार बार नहीं टूट जाएगा। टेंशन जो आप शब्द यूज किया, टेंशन कहां से है, तनाव कहां से है, रोज एक ही बोलते रहते हो, रोज बोलते सुनते सुनते वो करना नहीं चाहते, उनकी आदत है, तो आपके पास बाबा ने एक ब्रह्म अस्त्र दिया है, बच्चे मुख से नहीं बोलो, बाबा के बच्चे, मेरा पति मेरा भाई मेरा नहीं, शिव बाबा ये आपका बच्चा है, इस बच्चे को आप समझाओ, मन में वो चिंतन करो, बाबा आप समझाओ आप सिखाओ, आपने समझाना है, मेरे से शक्ति नहीं, मेरे सुनेगा नहीं, ये परिवर्तन करने की शक्ति। अगर किसी आप जानते हैं ड्रामा में हर एक का पार्ट है, हम नहीं चेंज कर सकते हैं, किसी के पास कोई अस्त्र है किसी को चेंज कर सकते हो, ये समझ में रखने, मैंने आपको अपना अनुभव बताया, क्या आप ऐसे कर सकते हैं?